पंजाबी मोहल्ले में पिछले दिनों हुई एक उम्रदराज महिला की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महिला की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके घर का नौकर निकला। 11 मई की शाम को जब बुजुर्ग महिला की मौत के घाट उतारा गया था, हत्या के बाद आरोपी घर से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट कर ले गया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस वारदात की छानबीन करने में लगी थी। पुलिस के शक की सुई पूर्व में नौकर रहे रवि रजक पर घूम गई। पूछताछ में आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस ने जब सख्ती बरती तो आरोपी टूट गया। इसके बाद उसने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान एसपी राहुल लोढ़ा ने इस मर्डर का पूरा पर्दाफाश किया। 75 साल की सुदर्शन बत्रा 11 मई को घर पर अकेली थी। घटना के समय उनका बेटा अपनी दुकान पर था। पुलिस की माने तो आरोपी रवि रजक 2 दिन से उसके घर की रेखी कर रहा था। रवि रजक महिला के बेटे के जूते की दुकान पर काम करता था, तभी से उसका घर में आना जाना लगा था, लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आरोपी घटना के दिन घर में चोरी करने की नीयत से घुसा, तभी सुदर्शन बत्रा की नजर उस पर पड़ गई। वह चिल्लाने की कोशिश करती, इससे पहले ही आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से 14 बार महिला के चेहरे पर कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बेहद इत्मीनान के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा के मुताबिक आरोपी ने हत्या के बाद घर के ऊपर चढ़कर सिगरेट भी पी। इसके बाद अलमारी में रखा 11 लाख रुपया लूट कर फरार हो गया। एक पोटली नुमा थैली में आरोपी नोट भरकर बाजार से गुजरा था। इसके बाद हाट रोड पर पहुंचकर आरोपी ने एक महंगा मोबाइल खरीदा। बाजार से उसने एक नया बैग भी खरीदा, जिसके बाद वे अपने बूढ़े बालाजी स्थित घर पर गया, जिसके बाद वे गांव पहुंचा, जहां पर उसने गाय के तबेले में 10 लाख रुपए रख दिए। पुलिस ने साइबर सेल ने इस मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत की। इसके लिए शहर भर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इसके आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। पुलिस ने आरोपी को जब पूछताछ के लिए घर से उठाया तो वह मासूम बनने का नाटक करता रहा, मगर जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने सारी वारदात को उगल दिया। और उसके बाद में भी ये बोल जाता है वहाँ पर लेकिन पीछे वाले हिस्से में दरवाजा इस तरीके से पतला गली में दरवाजा बना हुआ है, घर के अंदर दरवाजा बना हुआ है, इसको पहले जानकारी मिला। जब उसने देखा, जब माता जी जो है जिनका मर्डर उसने किया है, ये लगभग 6:30 बजे के आसपास में घर का इनका रूटीन है कि घर का जो सामने का दरवाज़ा और पीछे का दरवाज़ा जो है ये लगभग 6:30 बजे के आसपास में बंद करती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। जो वो दरवाज़ा बंद करने से पहले जो है ये पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, जगह से छुप जाता है। उसके बाद में फिर माता जी जो है वो दोनों दरवाजे बंद कर लेती है। बंद करने के बाद में फिर आधे घंटे तक ये वहीं पर दबा पड़ा रहता है। 11 तारीख को जो बत्रा मर्डर कांड हुआ था, उसके अंदर एक आरोपी को पुलिस ने रवि रजक करके जो है, जो उनके घर में पहले भी नौकर रह चुका है, काम कर चुका था, और 2 साल पहले उसकी नौकरी जो है वो छूट गई थी, जिसमें 50,000 रुपये का चोरी का आरोप उसके ऊपर लगा था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा माल जो लूट करके वो लेके गया था लगभग 11 लाख रुपये, उसमें से 10,75,000 के आसपास माल जो है वो पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। साथ साथ में घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू और जो बैग्स और शूज उसने इस्तेमाल किए थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें भी पुलिस ने जब्त कर ली है। कारण क्या रहा सर घटना का? आरोपी का नाम रवि रजक है और कारण बेसिकली उसको पैसों की आवश्यकता थी और उसके बहन की शादी जो है वो 15 तारीख को थी और शादी के लिए उसको पैसों की आवश्यकता थी। 2 साल पहले जब उसने नौकरी छोड़ी थी, वो क्योंकि घर में ही काम करता था तो उसको जानकारी में था कि यहाँ पे ये लोग जो है पैसे रखते हैं, तो पैसे इकट्ठा करने का उसके लिए बहुत ही आसान तरीका इनके घर में चोरी करना था। मगर साथ साथ में क्योंकि उसको जो बूढ़ी महिला थी उसके द्वारा पहचान लिया गया, तो उसने उसको घटनास्थल पर ही तत्काल चाकू के वार करके मार दिया। सर इसे पहले भी इल्ज़ाम लगा था कोई चीज़ को लेकर? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 2 साल पहले इसके ऊपर 50,000 रुपये चोरी करने का इल्ज़ाम लग चुका है। क्या नाम है जी? रवि रजक। हाँ, तूने ये मर्डर किया क्यों किया, क्या कर रहा था? पैसे लेने गया था उसके, 1 साल काम किया मैंने, पैसे लेने चुराने गया था, तो मम्मी ने मुझे देख लिया और मुझे अब मेरा नाम लेके आवाज़ देने लगी, तो मैं आता पहले में उनके चाकू पोस्ते चला गया था। तो चाकू तो तुम पहले खरीद के ले गए थे ना? चाकू इसलिए ले गया था, मैं चुराने गया था। अगर कोई आ गया का मतलब तो यही था ना? नहीं, मैं ले गया था उसको, लेकिन इसको बात नहीं कि अगर आ गया कोई बीच में या कुछ भी, मैं भगया हमको, लेकिन वो मम्मी चिल्लाने लगी, इसमें मैंने उनको मार दिया। तो तुमने 14 बार क्यों की? सर मुझे पता नहीं कितने बार हुई उस टाइम। पहले इल्ज़ाम किस चीज़ का लगा था आपको? पहले वो तो घर में ही बोला था उन्होंने कि 50,000 रुपये जाएंगे, तो चुरा लिए थे क्या उसके? तो उसी के कारण आपने उसकी हत्या कर दी? पैसे की जरूरत क्यों थी? पैसे मेरे पास पैसे नहीं थे और बहन की शादी पैसे की जरूरत क्यों थी तुम्हारे?
तो कितने रुपए खर्च कर दिए उसमें? मोबाइल लिया 15,000 रुपये। तो और कौन सा था आपके? कोई नहीं, अकेले थे।